सिर्फ सच। देखिए, ये है जबलपुर की पुलिस जो पहले देर से आई और फिर बेचारे दुकानदारों को खूब खरी खोटी सुनाई। बात बढ़ते बढ़ते गाली गलौच तक पहुंच गई। पहले इन पीड़ित दुकानदारों को चोरों से चपत लगाई और फिर चोरी के बाद मौके पर पहुंची जबलपुर के हनुमानताल थाना की पुलिस उलझ गई। अरे आप भी तो बक रहे हैं, आप भी तो बक रहे हो। तेरे को मैं देखा था कि नहीं हूँ, मेरी दुकान में चोरी हुई है, एक और चोरी हुई है, किसी ने पकड़ नहीं पाया। घटना जबलपुर के हनुमानताल थाना क्षेत्र के भानतलैया इलाके की है, जहां अज्ञात चोरों ने एक साथ 5 दुकानों में धावा बोलकर हाथ साफ किया। सुबह जब दुकानदारों ने दुकान में चोरी होने की सूचना हनुमानताल थाना पुलिस को दी तो काफी देर तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। देर से पहुंची पुलिस दुकानदारों पर ही बरस पड़ी और गाली गलौच तक नौबत पहुंच गई, जिस पर पीड़ित दुकानदार बिफर उठे। इस दौरान काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। हनुमानताल थाना अंतर्गत भानतलैया इलाके में मथुरा सेठ मार्केट की 5 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। किसी दुकान की छत कटर से काटी तो किसी दुकान का ताला तोड़ा। दुकानदारों के मुताबिक 6 और 7 मार्च की दरमियानी रात एक साथ 5 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इस मार्केट में मौजूद डेंटल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर सौरभ खरे ने बताया कि सुबह के वक्त उन्हें फोन द्वारा क्लिनिक में चोरी होने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंचकर देखा तो छत की सीलिंग टूटी मिली। अंदर जाकर देखा तो ड्रॉअर में रखे 20,000 रुपए कैश और क्लिनिक की लाइटें गायब थी। उन्होंने बताया कि उनके क्लिनिक से ही लगी हुई लगभग 5 दुकानें हैं, जिसमें मेडिकल शॉप, किराना दुकान इत्यादि सभी दुकानों में एक ही पैटर्न पर चोरी की गई है। इधर व्यापारियों ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल हनुमानताल थाने में इसकी सूचना दी, जिस पर पुलिस काफी देर बाद उनकी दुकानों में पहुंची। व्यापारियों ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई ना करते हुए उल्टा उन्हें ही गाली देना शुरू कर दिया। आज सुबह मुझे खबर पता चली अपने मकान मालिक द्वारा कि यहाँ पर आपके क्लिनिक में सीलिंग काट कर चोरी की कोशिश की गई है। मैं आया, भागा भागा, देखा कि यहाँ पर पूरी सीलिंग, जैसे आप देखें पूरी सीलिंग टूटी हुई है। अंदर मेरी ड्रॉ में मेरे 20,000 रुपये कैश लगा हुआ था क्लिनिक का, वो चोरी करके ले गए हैं, लाइट चोरी करके ले गए हैं। अब हम लोग देख रहे हैं और क्या क्या सामान की चोरी हुई है। इसी तरीके से और भी आजूबाजू सब दुकानों में चोरी की गई है। ये 4 से 5 दुकानों में हुई लगातार चोरी, दवाई की दुकान में हुई है, बाजू में किराने की दुकान है, 2 दुकान और में भी चोरी हुई है उसमें। मेरा नाम अंशु कनौजिया है, मेरे मेडिकल प्रतिष्ठान है संजीवनी मेडिकल्स भानतलैया मेन रोड पे है, और यहाँ पे चोरों का इतना साहस बढ़ गया है कि इन्होंने मेरी दुकान के साथ में जो और जुड़ी दुकान जुड़ी हुई है उसमें भी ऊपर शीट काट के पूरी चोरी कर ली। और यहाँ पे हम जब सुबह पुलिस प्रशासन आया तब हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुलिस द्वारा हमारे साथ गाली गलौज की गई, हमको मतलब मुजरिम समझा जा रहा है और हम पीड़ित व्यक्ति हैं, हम लोग धंधा करने वाले हैं, हम लोग छोटा छोटा पैसा जोड़ के पैसा इकट्ठा करते हैं और लाखों रुपए की चोरी हो जाती है एक साथ में, और इसके कोई जिम्मेदार कोई पुलिस प्रशासन नहीं लेता है। पिछली बार भी मेरी दुकान से चोरी हो चुकी थी, लेकिन वहाँ भी पुलिस ने किसी भी एक संदेही व्यक्ति को मेरे सामने समक्ष पेश नहीं किया कि भाई आप इसको देख लो, इसने चोरी किया होगा, और उसकी फुटेज भी मैंने पुलिस को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा मेरे ऊपर प्रेशर बनाया ये जाता था कि आप केस वापस ले लो, FIR वापस ले लो। इनको काम नहीं करना है, इनको बस FIR वापस लेने के लिए ज़्यादा उत्सुकता रहती है। साहब ऐसा चलेगा तो एक जो आम व्यवसायी है तो वो कैसे काम करेगा। बहुत हम सेटिस्फाइड नहीं फील कर, सेफ्टी फील नहीं कर रहे हम। TI साहब ने हमको प्रॉमिस किया है सब चीज़ों को लेके कि हम देखते हैं समझते हैं, लेकिन सर मतलब ये है कि एक बार और हो चुका है ये घटना, और पुलिस का इतने चोर का इतना साहस हो गया कि उसने चार दुकानों में एक साथ चोरी कर ली, तो इतना साहस कि उसने पूरी रात बैठ के आराम से चोरी करी है। तो आप ये समझ सकते हैं, और वो भी मेन रोड की दुकान में, तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना संरक्षण प्राप्त है और कितना बेखौफ है। मेरी दुकान से तो करीब करीब 1.5 लाख रुपये की चोरी हुई है, और एक मेरा लैपटॉप उसमें नहीं दिख रहा है, और अन्य सामान भी मैं देखूंगा वहाँ पे कि क्या क्या उसमें गायब है, और जो दूसरी दुकानें भी हैं वहाँ पे भी उनको बहुत क्षति पहुँची है, और जो जितनी भी जान और जो हानि हुई है तो और वो बता पाएंगे दूसरे दुकानदार।